टेक्निकल एस्पिरेंट्स की ओर से आप लोगों को स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक हो। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सॉयल्स ऑफ इंडिया। इंडिया में जो भी सॉयल्स मिलते हैं हमको, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज। तो जो हमारा एग्ज़ाम में आते हैं 1-2 मार्क्स का क्वेश्चंस, ठीक है, भले ही वो कोई भी एग्ज़ाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो हमारा सबसे पहले जो है, देखिए जो हमारा सॉयल्स है उसमें क्या है कि जो सॉयल हमारा कैसे बनता है, मतलब मिट्टी। सॉयल मतलब क्या है, जो मिट्टी। तो मिट्टी हम किसको बोलते हैं, ये मिट्टी कैसे बनता है, और ये जो सी भी टाइप का सॉयल होता है, जो भी मिट्टी होता है, उसमें कौन सी टाइप का खेती किया जाता है, और क्या होता है, जो डू यू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉयल फाउंड इन आवर इंडिया, हमारे इंडिया में कितने टाइप का सॉयल्स मिलते हैं, और जो ब्लैक सॉयल है उसको रेगुड़ सॉयल क्यों बोलते हैं, और कितने टाइप का एलुवियल सॉयल मिलता है हमारे यहाँ पे, और ये अरिड सॉयल क्या होता है। तो ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले के व्हाट इज़ सॉयल। देखिए ये सॉयल क्या है, मैंने एक सिंपल सा डिस्कशन लिखा हूँ, द अपर लेयर ऑफ अर्थ दैट मे बी डग और पोर्ड एंड इन व्हिच प्लांट ग्रोज। जो हमारा पृथ्वी का ऊपर का हिस्से का लेयर है जिसमें हमारा पेड़ पौधे उगते हैं, उसको हम लोग सॉयल बोलते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल सा हमारा डेफिनेशन था। देखिए सॉयल कैसे बनता है, सबसे पहले तो हमारा क्या है, देखिए सॉयल जो है वो बनता है हमारे यहाँ पे। हम बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन है कि हमारा जो सॉयल है, जो मिट्टी है, ये मिट्टी बनता कैसा है। देखिए मिट्टी बनने का बहुत सारे प्रोसेस है, जैसे कि अगर कोई माउंटेन्स है या फिर कोई पहाड़ी ऐसा कुछ जगह है जो कि धीरे धीरे उसमें से टुकड़ा टुकड़ा होके नदी के साथ बह के आ जाता है, या तो फिर कुछ जो सॉयल का वो धस आ जाता है उसमें से भी, मतलब जो मिट्टी गिर जाता है उससे भी सॉयल बन सकता है। और क्या, देखिए अगर ये अगर कोई एक माउंटेन है तो उसमें से ये जो छोटा छोटा कंकड़ का टुकड़ा गिर रहा है इससे भी सॉयल बन सकता है। देखिए सॉयल बनने में क्या है, 100 से 1000 साल लग जाता है, ठीक है। और ये देखिए अगर कोई नदी ऐसा लेके आ जाता है ऊपर उसके अपने धारा में, ऐसे भी सॉयल बन सकता है। और क्या होता है, देखिए इसको हम ह्यूमस बोलते हैं, ये जो हमारा पेड़ पौधे का पत्तियाँ या फिर पेड़ होते हैं या तो फिर किसी एनिमल होते हैं, तो उसका जो हड्डियाँ या तो फिर ये जो छोटे छोटे माइक्रो बैक्टीरिया या तो फिर ये जो माइक्रोब्स है, जो चीटी या तितली ये सब चीज़ें, जो उनका जो हड्डी है या तो फिर वो मर जाने के बाद जो होता है वो सब मिट्टी बन जाता है, ठीक है। ये है हमारा सॉयल, ऐसे ही हमारा बनता है। इसमें क्या है, 100 से 1000 साल लग जाते हैं। देखिए अभी हमारा क्या है, इंडिया में जो हमको सॉयल हम जो दिखते हैं उसमें से देखिए सबसे ज़्यादा जो दिखते हैं एलुवियल सॉयल जो 43% है। देखिए इसमें दो टाइप का है, ये 30.4 और ये 3.1, मतलब ऐसे 43% के आजू बाजू यहाँ पे होता है। रेड सॉयल क्या होता है, 18.5% होता है। ब्लैक और रेगुड़ सॉयल होता है 15%। एरिड और डिजर्ट सॉयल ये उतना ज़्यादा मात्रा में है नहीं, इसलिए मैंने इसका परसेंटेज नहीं लिखा हूँ। फिर लैटराइट सॉयल होता है, ये लगभग 5% के आजू बाजू होता है लैटराइट सॉयल, ठीक है। और क्या होता है, सेलाइन सॉयल, मर्सी सॉयल, फॉरेस्ट सॉयल, ये सब होते हैं। देखिए ये जो है हमारा, हम सबसे पहले एलुवियल सॉयल। देखिए एलुवियल सॉयल एक्चुअल है क्या, देखिए जो भी हमारा नदी है, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले एक फ़ोटो दिखाई थी, देखिए ये जो है नदी पहाड़ों के बीच में से या तो फिर जो प्लेन्स से गुजरने के बाद जब समुंदर में आके आता है और समुंदर में मिक्स आ जाता है, तब क्या होता है, उसके साथ साथ पानी के साथ साथ वो ये सब लेके आ जाते हैं और उस जगह पे हमारा एक मिट्टी जो ज़मीन बना देता है, इसको हम बोलते हैं एलुवियल सॉयल। देखिए ये तो क्या है, देखिए ये जो हमारा इंडिया है, इंडिया में देखिए ये खासकर ये वाला एरिया जहाँ पे गंगा, यमुना और ये देखिए ये वाला जहाँ पे हमारा थोड़ा इंडस जहाँ से, मतलब सिंधु नदी जहाँ से बह गया है, या तो फिर ये असम का ये इलाका देखिए जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी जो जहाँ से बहा है, ये सब जगह में क्या हमारा एलुवियल सॉयल दिखता है। और क्या होता है, देखिए एलुवियल सॉयल क्या दिखता है, देखिए ये जो जगह है
खासकर ये जो होता है, देखिए महानदी, ये गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब जहाँ पे आके समुन्द्र के साथ जुड़ा है, वो सब जगह पे जो हमारा जो डेल्टा दिखते हैं, ये सब जगह पे एलुवियल सॉयल बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखे जाते हैं। या फिर देखिए, या जो हमारा गुजरात का ये हिस्सा है, जहाँ पे कुछ नदियाँ यहाँ पे समुन्द्र के साथ जुड़ी है, तो ये जगह पे हमारा एलुवियल सॉयल ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए एलुवियल सॉयल दो टाइप का होता है, एक तो हम बोलते हैं खादर, और दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं भांगर। ठीक है, खादर क्या होता है, जो हमारा नया टाइप का एलुवियल सॉयल है उसको हम बोलते हैं खादर, और जो पुराना टाइप का होता है उसको हम बोलते हैं भांगर। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे मैंने बताया दो टाइप का होता है, न्यू एलुवियम होता है खादर, भांगर। कलर क्या होता है इसका, लाइट ग्रे और एस ग्रे होता है। और इसमें देखिए रिच इन पोटास, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें रिच इन पोटास है। और इसमें कौन सी जो खेती किया जाता है, देखिए व्हीट, राइस, मेज, शुगर केन, पालसेस, ऑयल सीड्स एट्सेट्रा, ये सारी चीज़, मतलब ये जो है इसमें सबसे ज़्यादा खेती हो, मतलब इसमें पॉजिटिव होता है कि यहाँ पे आप अच्छे से खेती कर सकते हो। उसके बाद देखिए ये जो है रेड सॉइल, देखिए रेड सॉइल नाम से ही पता चल रहा है, ये तो एकदम लाल कलर का होता है। ठीक है, ये जो रेड सॉइल है, देखिए ये रेड सॉइल हमको कहाँ देखने को मिलता है, देखिए ये जो हिस्सा, देखिए ये रेड सॉइल, ये रेड और येलो दोनों कलर में दिखते हैं। ठीक है, ये रेड, ये सारी जगह पे मिलता है। देखिए ये कोस्ट छोड़ के, वेस्टर्न कोस्ट छोड़ के, ये पूरा ये जो अरावली वाला इलाका, या तो फिर ये जो पूरा इलाका, ये सारे इलाके, ठीक है, अरुणाचल देख लीजिए, अरुणाचल, मिजोरम, ये सब जगह पे हमको बहुत ज़्यादा दिखने को मिलता है। ये है हमारा रेड सॉयल। देखिए अभी रेड सॉयल क्या होता है, सीन मेनली इन लो रेनफॉल एरिया, जो सब जगह पे हम थोड़ा रेनफॉल कम होता है। जैसे कि देखिए ये इधर जो है हमारा वेस्टर्न घाट है, तो इस साइड्स में बारिश हो जाता है, लेकिन ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे बारिश थोड़ा कम दिखने को मिलता है, और ये वाला भी जो हिस्सा है यहाँ पे भी थोड़ा बारिश कम मिलता है, या तो फिर ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे भी हमको बारिश थोड़ा कम दिखने को मिलता है। तो ये सब जगह पे हमको क्या है, ये रेड सॉइल दिखने को मिल जाएगा। और ये क्या होता है, पोरस होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो रेड सॉइल है ये हमारा पोरस है। ठीक है, और यह क्या होता है, एब्सेंस ऑफ लाइम, कंकर, देखिए ये कंकर क्या है, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, जो इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है ये कंकर है। और कलर क्या होता है, रेड, उसमें क्या है, फेरिक ऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है। और देखिए द लोअर लेयर इज रेडिश येलो और येलो, ठीक है, तो ये होता है इसका कलर। और इसमें क्या क्या होता है, व्हीट, कॉटन, पल्सेस, टोबैको, ऑयल सीड्स, पोटैटो एट्सेट्रा, देखिए ये वाला जो चीज़ है इसमें हमको क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इरिगेशन की ज़रूरत होता है, क्योंकि ये जो है ना उतना ज़्यादा मिट्टी में पानी को पकड़ के नहीं रख सकता है, तो इसमें इरिगेशन की बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ब्लैक सॉइल, देखिए ये जो है आप देख सकते हैं ये एकदम काला मिट्टी है, मिट्टी का कलर ही एकदम काला है, तो इसको हम लोग ब्लैक सॉइल बोलते हैं। देखिए इसका ये जो है ना रेगुड़, रेगुड़ इसका और एक नाम, ब्लैक सॉइल का और एक नाम है रेगुड़, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि रेगुड़ किस लिए बोलते हैं इसको, देखिए ब्लैक सॉइल को हम रेगुड़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि रेगुड़ का मतलब ही होता है कॉटन। ठीक है, कॉटन, एक क्योंकि ये जो ब्लैक सॉइल है इसमें बहुत अच्छा कॉटन का खेती बाड़ी होता है, और इसमें कॉटन का प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए ब्लैक सॉइल को हम रेगुड़ सॉइल भी बोलते हैं। देखिए ये है इसका एरिया का, देखिए ये वाला जो हिस्सा है इंडिया का एकदम सेंट्रल पार्ट जो है, और थोड़ा सा वेस्टर्न पार्ट भी, और ये देखिए गुजरात का कुछ इलाका, ये सारी जगह पे बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लैक सॉइल देखे जाता है, इसलिए ये सब जगह पे हमारा बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉटन का खेती बाड़ी भी होता है। इसलिए देखिए हमारा जो अहमदाबाद है, गुजरात का अहमदाबाद, यहाँ पे भी कॉटन का बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब हमारा जो वस्त्र शिल्प है उसका बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको इंडिया का मैनचेस्टर भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो है ब्लैक कलर का, ये ब्लैक सॉयल इतने जगह पे मिलता है, और थोड़ा बहुत आजू बाजू में भी दिखने को मिलता है, ये उड़ीसा या आंध्रा साइड, और ये कर्नाटका में भी थोड़ा बहुत दिखने को मिलता है। ठीक है, और ये देखिए ब्लैक रेगुड़ मीन्स कॉटन, ठीक है, बेस्ट ऑयल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। और क्या होता है, देखिए जो है मोस्ट डेकन, जो डेकन प्लेट है वो डेकन
ये ब्लैक सॉयल से ऑक्यूपाइड है, ठीक है। हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, देखिए इसमें पानी पकड़ने का क्षमता बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसमें देखिए क्या क्या है, आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, जो चीज़ सारे एक कॉटन के खेती बाड़ी के लिए ज़रूरत होता है, वो सारे के सारे इसमें भरा हुआ है। देखिए अभी इसमें डिफिशियंट क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑर्गेनिक, ये सब ठीक है। और कलर क्या है, देखिए डीप ब्लैक टू लाइट ब्लैक, ये एकदम काला और थोड़ा हल्का कलर, हाँ मतलब एस टाइप का कलर का भी यहाँ पे होता है, ठीक है। अभी उसके बाद हम देखते हैं लैटराइट। देखिए ये लैटराइट सॉइल जो है ये क्या है, ये जो हमारा रेड सॉइल और लैटराइट सॉइल दो अलग टाइप का सॉइल है। देखिए ये जो लैटराइट सॉइल है ना, ये एकदम हार्ड टाइप का होता है, ठीक है, मतलब एकदम पत्थर जैसा होता है, तो इसको हम लैटराइट सॉइल बोलते हैं। देखिए ये जो दिखता है यहाँ पर, देखिए ये वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट इलाका, ये हमारा असम का कुछ जगह, ठीक है, और ये हमारा राजस्थान का कुछ इलाका, गुजरात का एकदम थोड़ा सा, लेकिन राजस्थान में जो हमारा डिजर्ट एरिया है वो जगह पे भी कुछ मिल जगह पे दिखने को दिखता है। ये छत्तीसगढ़ में कुछ जगह पे हमको देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे ही ये जो लेटराइट सॉयल है ये जगह पे कुछ हमको देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए अभी लेटराइट, देखिए ये जो लेटर है, लेटर का मतलब होता है ब्रिक, लैटिन वर्ड है ये, लैटिन वर्ड लेटर का मतलब होता है ब्रिक, बिकम सो सॉफ्ट व्हेन वेट एंड सो हार्ड व्हेन ड्राइड, ठीक है, ये सूख जाने के बाद बहुत हार्ड हो जाता है। इन द एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो और बहुत ज़्यादा बारिश हो, ऐसी जगह पे ये बहुत ज़्यादा दिखने को मिलता है। अच्छा, इसमें देखिए रिच इन क्या है, आयरन एंड एल्युमिनियम, आयरन और एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा ये और एक चीज़ देखिए, ह्यूमस कंटेंट यहाँ पे कम होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सॉइल विल बी रिमूव फास्ट बाई बैक्टीरिया एज इट इज़ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमस विल बी टेकन क्विकली बाई द ट्री एंड अदर प्लांट्स, ठीक है। देखिए तो इसमें क्या, इसलिए इसमें क्या होता है, ह्यूमस का कंटेंट बहुत कम होता है, ठीक है, जो बैक्टीरिया का, और बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा इसको हटा देता है इसलिए। और क्या होता है, देखिए रेड कलर का होता है, आप तो देख ही लिए, इसमें आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है। और इसमें क्या क्या खेती होता है, राइस, रागी, सुगर केन, कैसियस, ये सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखिए हमारा जो डिजर्ट सॉयल को और एक नाम से बोला जाता है एरिड सॉयल। देखिए ये एरिड मतलब ये जो एरिडियल एरिया है, इस जगह पे हमको ये दिखने को मिलता है, इसीलिए हम डिजर्ट सॉयल को एरिड सॉयल भी बोलते हैं, ठीक है। ये एरिड सॉयल क्या होता है, देखिए ये जो हमारा राजस्थान का थर वाला इलाका है, थर डिजर्ट है, यहाँ पे हमको ये दिखने को मिलता है, गुजरात का भी कुछ हिस्से में इसको दिखने को मिलता है, ठीक है। मोस्टली ये दोनों जगह पे हमारे दो स्टेट में हमको दिखने को मिलता है, गुजरात एंड राजस्थान, ये दोनों पंजाब में भी, सॉरी पंजाब में भी दिखने को मिलता है, पंजाब में भी कोई बहुत जगह पे ये हमको दिखने को मिलता है, ठीक है। ये होता है हमारा डेजर्ट सॉयल। अब देखिए डेजर्ट सॉयल क्या होता है, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन जो है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब एंड गुजरात, ठीक है, ये जो इलाका है यहाँ पे डिजर्ट सॉयल देखने को मिलता है, ये देखिए डिजर्ट, ठीक है। ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ड्राई क्लाइमेट, इवोपोरेशन इज फास्टर एंड द सॉयल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, ठीक है। तो ह्यूमस और मॉइस्चर छोड़ देते हैं, इसलिए यहाँ पे ऐसा डिजर्ट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और क्लाइमेट भी बहुत ड्राई होता है। आफ्टर टेकिंग प्रॉपर इरीगेशन मेजर्स द सॉयल कैन बी यूज फॉर एग्रीगेशन, बहुत अच्छे से इरिगेशन किया जाएगा तो इस जगह पे अच्छा खेती बाड़ी भी हो सकता है। यहाँ पे क्या होता है, ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप्स लाइक मिलेट एंड बार्ली, ये थोड़ा बहुत खेती यहाँ पे होता है, इतना ज़्यादा खेती तो होता हो नहीं पाता है। अच्छा देखिए ये जो है पीटी और मार्सी सॉइल, देखिए ये क्या होता है, पीटी मतलब हम समझ ही रहे कि ऐसा इलाका, जैसे कि हमारा बे ऑफ बंगाल का जो, सॉरी जो अपना गंगा का जो डेल्टा है, वेस्ट बंगाल में बहुत बड़ा डेल्टा है, ये ऐसा जगह पे, या तो फिर उड़ीसा का कुछ इलाका है, ऐसा जगह पे ऐसा ऐसा कीचड़ वाला इलाका जो दिखता है, इसको हम पीटी और या मार्सी सॉयल बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, पीटी ऑकर्ड इन ह्यूमन ह्यूमिड रीजियन, ठीक है, ऑकर्ड इन ह्यूमिड रीजियन, फॉर्म्ड बाई एक्यूमुलेटिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ब्लैक इन कलर, हाईली एसिडिक एंड हेवी, बहुत भारी होता है। और कहाँ पे दिखता है, देखिए कोट्टयम और अलप्पी इन केरला, ठीक है, केरला का कुछ हिस्सा, कोस्टल उड़ीसा,
एंड सुंदरवन, वेस्ट बंगाल का जो डेल्टा सुंदरवन है उस जगह पे हमको ये पीटी एंड मार्सी सॉयल देखने को मिलता है। उसके बाद क्या होता है फॉरेस्ट सॉयल। देखिए फॉरेस्ट सॉयल कुछ है तो कुछ ऐसा नहीं, जो हमारा फॉरेस्ट वाला इलाका है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता हो, ह्यूमस कॉन्टेंट कम हो, ऐसी जगह पे हमारा फॉरेस्ट सॉयल देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है जो माउंटेन सॉयल, देखिए माउंटेन सॉयल को और कुछ नहीं, जो हमारा माउंटेन वाला एरिया है जैसे हमारा हिमालय या अरावली, ये सब जो माउंटेन एरिया है या तो फिर वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट, ये सब जो जगह है यहाँ पे जो माउंटेन का, जैसे कि अरावली जो रेसिडुअल माउंटेन है, ठीक है, इसका जो पत्थर टूट टूट के जो सॉयल बनता है इसको हम बोलते हैं माउंटेन सॉयल। तो थैंक यू, ये वीडियो आपको आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर कुछ कमेंट्स हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए और बेल बटन दबाना ना भूले, और अगर किसी चीज़ के ऊपर आप लोगों को ऐसा वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिए।